भारत को यूं ही जगत गुरु नहीं कहा जाता है। इसमें उन समाज सुधारकों और विद्वानों का अहम योगदान है जिन्होंने समय समय पर प्रत्येक कालखंड में इस पुण्य भूमि को दिशा देकर जनमानस का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही प्रकांड विद्वान समाज सुधारक राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से मुस्लिम आक्रांता काल में सामाजिक जागृति और समरसता की एक ऐसी ज्योति फैलाई जिससे ये भूमि आज भी प्रकाशित है। साहित्य जगत में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में चाहे जितने ही विवाद क्यों न हो, लेकिन इस दोहे में उनके जन्म स्थान का स्पष्ट विवरण मिलता है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। उक्त दोहे के अनुसार संवत 1554 में यमुना नदी के किनारे श्रावण शुक्ल की सप्तमी पर संत मुनिश्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तुलसीदास जी ने हिंदू समाज की तत्कालीन दयनीय स्थिति को देखा और उस पर मंथन किया। हिंदू समाज को धार्मिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने हेतु उन्होंने साहित्य सृजन को आधार बनाया, जिसका परिणाम तुलसीदास जी की अमूल्य कृतियां हैं जो समय के भारतीय समाज के लिए उन्नायक सिद्ध हुई, आज भी मानव जीवन को मर्यादित करने के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, इनमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बरवय रामायण, रामलला नहचू आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तुलसीदास जी को संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। मुगल काल में पीड़ित होने पर कारागार में ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी के तेज शौर्य और बल का स्मरण कर हनुमान चालीसा की रचना की, जो आज भी हिंदू समाज के जागरण का महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को समर्पित ग्रंथ श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का अवधि भाषा रूपांतरण है। रामकथा में तुलसीदास जी ने मानव जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का समावेश किया है और समस्याओं का समाधान भी दिया है। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, भाई का भाई के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है आदि सामाजिक कर्तव्यों का समावेश रामचरितमानस में है। इसके माध्यम से सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। तुलसी के काव्य में संघर्ष और कलह के स्थान पर सामाजिक समरसता के सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया है। जब तत्कालीन मुगल शासकों द्वारा प्रजा पर अत्याचार किया गया, तब उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें भी फटकारा। निश्चित है कि प्रजा के दीन दुखियों को देखकर उनका मन भी कष्ट से भर जाता था और वो इस प्रकार के दोहों की रचना से अत्याचारी शासक को संदेश देने का प्रयत्न करते थे। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। तुलसी के राम राज्य में छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। चारों वर्ण के लोगों का राजघाट पर एक साथ स्नान करना इसका उदाहरण था। रामचरितमानस के अमर रचयिता, हिंदी साहित्य पटल के तेजस्वी नक्षत्र गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर शत शत नमन।